जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। एमपीपीएससी रिजल्ट को डिले होने की जो खबर आई है उसके हिसाब से जीएडी इस शब्द के पीछे जीएडी का बहुत बड़ा हाथ है। जीएडी ने एमपीपीएससी को इस तरह बुरी तरह से फंसा दिया है कि एमपीपीएससी ना तो रिजल्ट रिलीज कर पा रही है और ना ही इसका जो जिम्मा है जीएडी ले रही है। तो कोर्ट का जैसे वैसे बताया गया है कि पहले वीडियो में आप बनाया, अगर आपने नहीं देखा उसे जाकर जरूर देखिएगा कि कोर्ट का जो डिसीजन बहुत पहले ही आ गया था कि इस रिजर्वेशन को 14% ही रखा जाएगा क्योंकि 27% रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने टाइम मांगा था कि हम इसको रिपील करने के लिए टाइम ले रहे हैं। तो एक्चुअल क्या हुआ था उस केस में, क्यों 2019 का एग्जाम पूरी तरह से फंस गया है, क्या और कैसे जो 13% एस्पिरेंट है उनकी लाइफ जो है खतरे में हो गई, मतलब वो लोग सेलेक्ट हो गए थे लेकिन अभी उनका ऐसा हो गया है कि उन्हें अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। इसको पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे आने वाली सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप एमपी या एमपी पीएससी या एमपी से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो जो न्यूज़ है उसके न्यूज़ के लिए ये आज का जो देखिए न्यूज़पेपर में है कि अपने फॉर्मूले से पलटा जीएडी, परीक्षा कराई रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो ये कैसा फॉर्मूला था इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। इसमें क्या है कि 13% ज़्यादा छात्रों को पात्र घोषित कर दिया गया था और 10,000 छात्र बैठे थे मुख्य परीक्षा में जिसकी वजह से रिजल्ट अभी अटका हुआ है। 2020 के प्री के अंक जारी नहीं किए गए हैं, प्री के अंक जारी कर दिए गए हैं, कट ऑफ जारी नहीं किया गया और 2021 का जो है अभी तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आया इस बारे में है। तो जीएडी ने कैसे फंसाया, जीएडी ने ऐसे फंसाया है कि 2019 का जो एग्ज़ाम हो रहा था तो उसके लिए मुख्य परीक्षा के लिए पीएससी ने जीएडी से मार्गदर्शन मांगा। तो जीएडी ने ऐसा बोला कि देखिए हम रिजर्वेशन 27% कर देंगे, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए अभी जब तक ये हम बिल पास नहीं करवा लेते हैं तब तक आप ऐसा कीजिए कि जनरल के जो छात्र उसमें 13% ज़्यादा आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए और उन 13% को फिर हम लोग ओबीसी रिजर्वेशन में डाल देंगे। लेकिन एमपीपीएससी ने एग्ज़ाम तो ले लिया 30% ज़्यादा, लेकिन अभी कोर्ट ने तो मना कर दिया, तो उन 13% लोगों का क्या होगा जो आपने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया जिसकी वजह से आपने एग्ज़ाम करा लिया था जिसमें 10,000 छात्र बैठ गए थे। तो इस फॉर्मूले की वजह से तो अब जब एमपीपीएससी जीएडी के पास गई कि अब हम क्या करें, तो जीएडी पूरी तरह से पलट गया। जीएडी ने बोला कि अब जो ये डिसीजन लेंगे वो एडवोकेट जनरल जो है उनके सलाह के बाद ही हो पाएगा, उसके अलावा इसको नहीं हो पाएगा। तो अभी जीएडी ने मतलब इस चप के पीछे जीएडी का बहुत बड़ा हाथ है, जीएडी पूरी तरह से पलट चुका है। जीएडी जिसकी वजह से 13% जो मैंने बोला कि जैसे नॉर्मली जो होता है कि आपका जितना जनरल का होना चाहिए था उसका 13% उससे ज़्यादा जनरल के लोग ले लिए गए और उनको 13% ज़्यादा डालने की बात कही जा रही थी आपका ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, तो लेकिन उनका 30% को डाला नहीं जा सकता। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि 45 याचिकाएं विचाराधीन है हाईकोर्ट में जिसमें से अंतरिम आदेश आया कि रिजल्ट जारी कर दिया, लेकिन अंतिम रिजल्ट आदेश जारी करने पर तभी होगा जब जीएडी की तरफ से थम्सअप आएगा। लेकिन जीएडी की तरफ से थम्सअप इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 15 गुना छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाना है लेकिन 3 गुना और छात्र जो हैं वो पात्र ज़्यादा घोषित कर दिए गए। तो अब इन लोगों का क्या हो सकता है 2019 के एग्ज़ाम में जो हुए, तो 2019 के एग्ज़ाम में अब ये हो सकता है कि या तो उनको वैकेंसीज बढ़ाना पड़ेगा, 2019 की इनको वैकेंसीज या तो बढ़ाना पड़ेगा या तो जो छात्र हैं अगर वो वैकेंसी बढ़ेंगी 2020 की जो वैकेंसी है वो कम होने का चांस हो जाता है। तो अभी पूरी तरह से एमपीपीएससी फंस गया है, तो अभी इस पर क्या निर्णय आएगा, अंतिम निर्णय इस पर कुछ लिया नहीं गया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस।